गाइस, इट्स फाइनल चेकआउट डे फ्रॉम हम्पी और नालिया, और अब बजे सुबह के 7, तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। प्लान तो ऐसा है कि जल्दी जल्दी तैयारी करेंगे और हम्पी से बाहर निकलेंगे। या हम्पी से बाहर निकलेंगे, बाइक्स का भी थोड़ा सा काम है वो कर लेना है, देन वी विल बी ऑन द मूव। थोड़े बहुत बंदर है यहाँ पे, सो दैट्स काइंड ऑफ फन। सो यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है जहाँ से हम निकले थे फर्स्ट डे, तो ये फिजिबल तो नहीं है एक दिन में पहुँचना। तो बात ऐसी कि मैं सोच रहा था कि मुरडेश्वर के लिए जाएंगे, वहाँ पर शंकर जी की मूर्ति है समंदर के बाजू में, उसे देखेंगे। दैट वाज माय प्लान, बट नीलेश के शेड्यूल में नहीं बैठ रहा, तो ही इज काइंड ऑफ लीनिंग टूवर्ड्स सनापुर, जो कि यहाँ से 27 किलोमीटर है, और सनापुर से ही इज़ प्लानिंग टू हेड बैक टूवर्ड्स होम कल। बट आई एम थिंकिंग अबाउट एक्सटेंडिंग माई ट्रिप, सो आई डोंट नो लाइक वॉट शुड आई डू। सो रिगार्डिंग दैट ट्रिप एक्सटेंशन, देखते हैं हम अकेले जाएंगे या फिर इफ समबडी इज़ विलिंग टू शो हिज इंटरेस्ट, दैट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। तो गाइस, सब लगेज जो है वो चढ़ाते हैं मोटरसाइकिल्स पे और हम डिस्पैच हो रहे हैं हम्पी से बाहर। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अपन भी अपनी लीन और मीन स्पीड मशीन पर। सो एनीवे, तो हम्पी से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर लिए जो भी हमें करनी थी, और कमलापुर जाएंगे फर्स्ट। इन लोगों को थोड़ा सा चेंज जो है वो टाइट करना है, अपनी बाइक में कोई इतना इशू नहीं लग रहा मुझे, बट फॉर द टाइम बीइंग एज वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम हम्पी, हम कैमरा ऑन ही रखेंगे, बिकॉज आई थिंक एंटर होते समय कैमरा जो है वो बंद पड़ गया था, एंड इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है कैमरा जो है वो टाइम लैप्स मोड पर चला गया था। तो यहाँ से हम ले रहे हैं राइट टर्न। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस द हम्पी इज, मस्त जगह है। तो यहाँ से हम लेफ्ट मारेंगे। सो प्लान ऐसा है कि नीलेश जाएगा अंजनेरी की तरफ, और मैं और MT-15 राइडर हम जाएंगे आगे टुवर्ड मुरडेश्वर, जहाँ पर लॉर्ड शिवा की बड़ी सी मूर्ति है बिसाइड यूनो बीच। सो हम वहाँ पर जाएंगे मुरडेश्वर से ऊपर गोकर्णा पर जाएंगे, एंड फ्रॉम देयर वी विल ट्राई टू स्ट्रेच अप टू सातारा इफ पॉसिबल, ऑब्वियसली। तो अगर पॉसिबल होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता फिर भी कोई बात नहीं, बट आई थिंक हम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है अच्छा खासा नाइट राइडिंग का, तो इवन 12 एक दो भी बजते स्टिल आई कैन पुल आउट। ऑल राइट, व्हाट अ प्लेस मैन, सुपर। मतलब अगर आप यहाँ आ जाएंगे आधा हफ्ता, एक हफ्ते के लिए भी, तो भी कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोरेशन करने के लिए है ही यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो है ही। कहीं पर भी जाओगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही, एंड गाइड के कहने से ऐसे पता चला कि ये सब सारी चीज़ें एक ही कालखंड में नहीं बनी, दिस थिंग्स आर बीइंग बिल्ट ओवर यू नो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो जैसे कि हम कल उस टेम्पल में गए थे, विश्वपुरा टेम्पल समथिंग, तो वो टेम्पल था 8th century में बनाया गया था, तो इसको अंडरग्राउंड टेम्पल कहते हैं। ओके, सो वो टेम्पल जो था वो 8th century में बनाया गया था, एंड कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है, दो थिंग्स आर बिल्ट एट लाइक 16th century, तो इतने लॉन्ग टाइम स्पैन में ये सब चीज़ें बनी है। तो इफ़ समवन इज़ वंडरिंग लाइक ये सब चीज़ें कैसे बनाई गई एक ही टाइम में, तो ऐसी बात नहीं है, दिस थिंग्स आर बिल्ट यू नो ओवर मल्टीपल यू नो सेंचुरीज, दैट्स व्हाई इतनी लार्ज स्केल है यहाँ पर।
चीज़ों की। ओके वाव, मज़ा आया, मज़ा आ गया भाई। यहाँ पर हम रहे तो 3 दिन, बट ऐसे लगा कि पूरा वीक रह रहे थे, यू नो, लोगों से फैमिलियर हो चुके थे मोस्ट ऑफ जो नियर बाय रहने वाले थे उनसे। सो दैट इज़ काइंड ऑफ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर श्योर। वाह, मज़ा आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बाइक्स की जो चेन है उसको टाइट कर लेंगे एंड फ्रॉम हेयर वी विल यू नो स्प्लिट इनटू टू। तो बाइक्स जाएगी आगे, मेरी और MT15 जाएंगे हम दोनों टुवर्ड्स मुर्डेश्वर। तो गाइज ये लोग जा रहे हैं सनापुर और हम जाएंगे मुर्डेश्वर। यहाँ पर बहुत टाइम हो जाएगा, ऐसा मैकेनिक को ठीक से नहीं जम रहा चेन टाइट कर रहा, तो हम निकल पड़ते हैं यहाँ से। गाइज मैं और MT15 राइडर हम जा रहे हैं मुर्डेश्वर की तरफ, और नीलेश और सुनील जो है वो आगे बढ़ चुके हैं सोनपुर की तरफ, सोनीपुर की तरफ आई गेस, और वहाँ पर वो जाएंगे अंजनेरी की तरफ, जो भी यहाँ का अंजनेरी है, नासिक वाला नहीं, यहाँ दूसरा अंजनेरी है, वहाँ पर वो जा रहे हैं। तो बेसिकली हम स्प्लिट हो चुके हैं दो डिफरेंट ग्रुप्स में, एज यू गाइस हैव सीन। अब जो है वी आर ऑन आवर ओन, अगर कुछ होता है हमारे मोटरसाइकिल से फिर किसी दूसरी चीज़ को, तो हमारे पास कम रिसोर्स है, कम मैन पावर है, तो हमें वो सब चीज़ें यू नो प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। ऐड टू द फैक्ट कि आई एम द ओनली पर्सन हु हैड एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल राइड्स। मैं अकेला ऐसा बंदा था जिसने पहले भी यू नो मल्टी डेज की लॉन्ग राइड्स कर चुका था मैं, इवन दो नीलेश इज एक्सपीरियंस राइडर, उसकी भी पहली ये मल्टी डेज लॉन्ग राइड थी। सो इन दैट सेंस आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। या साउंड क्रेजी बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अपना ये जो बंदा है MT15 वाला, ही इज़ न्यू टू द राइडिंग, तो इसके वजह से मैं मिरर में देखते देखते ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो एज हम यू नो कहीं गुम ना हो जाए, वैसे गुम हो जाएंगे तो भी इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पर, बट स्टिल इट्स बेटर टू स्टिक टुगेदर रादर देन गेटिंग अपार्ट ड्यूरिंग लॉन्ग राइड्स लाइक दिस। तो मुर्डेश्वर यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर, तो ETA दिखा रहा है 6 से 7 बजे का, बट पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, बट आई विल ट्राई टू कीप स्पीड्स नियर बाय यू नो 90 to 100, और बीच बीच में 1-2 मिनट का बर्स्ट मारेंगे 110 to 115 का। तो बेसिकली ये मेरा प्लान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मुर्डेश्वर की तरफ। तो मुझे ऐसे लगा था कि हम वापस यू नो हुबी सिटी की तरफ जाएंगे और वहाँ से नीचे उतरेंगे, बट वो रास्ता फेवरेबल नहीं दिखा रहा गूगल मैप्स में। गूगल मैप्स में वहाँ से डायरेक्टली यू नो थोड़ा सा स्लाइट एंगल में नीचे नीचे उतरने वाला दूसरा रास्ता दिखाया गया है, तो ये कोई हाईवे नहीं लग रहा है मुझे, लोकल टाइप रास्ता लग रहा है, बट सो फार तो ठीक रास्ता लग रहा है। अगर 80-90 भी अगर हम बीच बीच में ले पाए और 70 का एवरेज स्पीड अगर मेंटेन कर पाए, तो भी यह बहुत हो जाएगा ये अपने लिए। तो अगर शाम के थोड़ा सा पहले अगर पहुंच पाएंगे तो ये अपने लिए अच्छा ही होगा। तो ट्राई करेंगे कि लंच जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करें अराउंड 4 o'clock, लेट्स सी क्या हम वो कर सकते हैं। या मुझे तो लगता है नीलेश और सुनील पहुंच भी गए होंगे उनके डेस्टिनेशन पे, बट हम अभी तक जा ही रहे हैं और शाम तक जाते ही रहेंगे, दैट्स फॉर श्योर। एनीवेज
लेट्स मूव अहेड। तो बहुत ही हरियाली लग रही है आजू बाजू में, बिकॉज यहाँ पर भी बारिश गिरी होगी कल जैसे हम्पी में बारिश गिरी थी। आई टोटली एक्सपेक्ट कि यहाँ पर भी बारिश गिरी होगी। सो फार वी हैव कवर्ड लाइक 70 किलोमीटर्स, सो 70 किलोमीटर्स कवर किया एंड अभी रिमेनिंग डिस्टेंस है अराउंड 72 to 280 किलोमीटर्स। ओके, तो ये जो प्लेस है ये कोई गांव है और यहाँ से दिखा रहा है इटिग्गी देवंगारा, बट हमारी प्लेस जो है वो नहीं दिखा रहे। ओके, तो सो फार हमने कवर किया है 70 किलोमीटर्स और आगे बढ़ रहे हैं गांव और कस्बों से। तो बहुत ही छोटे छोटे गांव लग रहे हैं हमें आगे बढ़ते हुए, इसके वजह से प्रोग्रेस स्लो होगा हमारा, ऐसे मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है। बट वी हैव नो अदर ऑप्शंस रादर देन फॉलोइंग दिस रूट। गूगल पे दिखा रहा था कि दिस इज आइडियल रूट टू हेड टूवर्ड्स व्हाट, मृगनेश्वर नाम ले याद नहीं आ रहा यार। अगर गोकर्णा जाना होता तो गोकर्णा के लिए जो रास्ता था वो हुबली से दिखा रहा था। ओके, बट ये जो रास्ता है वो नीचे से दिखा रहा है। बट हम क्या करेंगे, सिंस मृगनेश्वर सबसे लोएस्ट पॉइंट है जहाँ पर हम जाने वाले, तो हम पहले वहीं पर जाएंगे, फिर वहाँ से धीरे धीरे ऊपर क्लाइम करते हुए आएंगे। ओके, सो सिंस हम गांवों और कस्बों से गुजर रहे हैं, एक बात तो अच्छी है कि हमें यहाँ की लोकल लाइफस्टाइल जो है वो देखने को मिल रही है, किस टाइप की लोकल लाइफस्टाइल है, व्हाट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइफस्टाइल ऑफ दिस पीपल एंड आवर महाराष्ट्रियन पीपल। सो यू नो, अगर आप हाईवे से राइड करते हो तो आपका टाइम तो डेफिनेटली बचता है, बट व्हाट यू डोंट गेट टू सी व्हाइल यू आर राइडिंग फ्रॉम हाईवे इज द लोकल लाइफस्टाइल। एंड इन माय ओपिनियन लोकल लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हाइल ऑन द लॉन्ग राइड। यू नो, जैसे कि हम नेपाल लॉन्ग राइड पे थे, तब हमने देखा कि कैसे हार्श लाइफस्टाइल थी वहाँ के लोगों की ड्यू टू द यू नो जियोग्राफिकल चैलेंजेस दैट नेपालीज पीपल वर फेसिंग। यू नो, जियोग्राफी ही ऐसे नेपाल की जो कि चैलेंजिंग है वहाँ के लोकल लोगों के लिए। सो वो एस्पेक्ट है, वो लाइफस्टाइल हमें देखने को मिली। सो इन दैट सेम वे, बिकॉज हम हाईवे से नहीं जा रहे हैं, हमें ये लोकल लाइफस्टाइल का यू नो लुप्त उठाने को मिल रहा है, एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग। आई एम लविंग एवरीथिंग अबाउट यू नो एटमोसफेयर विच आई एम गेटिंग टू सी विथ माई ओन आईज। सो विथ दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट गोइंग गाइज। Alright, so after riding for like 150 kilometers from Hampi, I think हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आगे। तो आगे 8-9 किलोमीटर पर यू नो राइट टर्न लेना है हमें, तो वहाँ पर हम रुक जाएंगे। या अच्छा खासा पेस मेंटेन हुआ है अपना सो फार, तो ऐसे ही कहूँगा। बट रास्ते जो है वो लेस देन आइडल होते जा रहे हैं समटाइम्स, जैसे कि अब आपने देखा। तो टोटली लेस देन आइडल राइट नाउ। ओके, सो फाइनली ये कोई हाईवे है, ओल्ड पीबी रोड हाईवे ऐसा कुछ है, तो यहाँ से अपने को राइट टर्न मारना है यहाँ से, और हमें यहाँ पर कंटिन्यू करना है इस हाईवे पे। तो कहाँ पर आए हैं हम, लेट्स ट्राई टू रीड द बोर्ड्स। सभी कन्नड़ा भाषा में लिखा हुआ है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा,
कहाँ पे है हम? आओ वेयर द हेल वी आर, आई एम ट्राइंग टू रीड द बैनर्स। ओके तो हम हरिहर में है। ऑल राइट तो हरिहर सिटी में हमने राइट टर्न मार लिया है। हाँ हरिहर सिटी में। हाँ थोड़ा पूरे जाओ। तो जैसे कि मैंने बताया था बंदे को भूख लगी है डेफिनेटली। मैं उसको बोला थोड़ा आगे चलते हैं। तो हरिहर सिटी में है हम। आई होप कि यहाँ से एटलीस्ट अच्छा रास्ता मिल पाए। बट ये देखिए धूल भरे रास्ते से हमारा स्वागत हो रहा है। दैट्स काइंड ऑफ बैड इम्प्रेशन रिगार्डिंग दिस हरिहर सिटी। महाराष्ट्र वाला अगर बंदा मिल जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। यू नो सेम हमारे रूट वाला कोई बंदा मुंबई का, तो जैसे सूरज हमें मिला था यू नो हम्पी में, जो कि सोलो आया था बस से ट्रैवल करके, तो वैसे ही कोई अगर हमें सोलो मिल जाए बाइक राइडर तो मज़ा आ जाएगा। एंड लेट्स सी क्या होता है आगे। मज़ा आने वाला है दोस्तों। बेलगावी 236 किलोमीटर। ओके बेलगावी 236 किलोमीटर। चले आगे बढ़ते हैं, इस सिटी को क्विकली क्रॉस कर देते हैं। ओके हरिहर सिटी। बैड इम्प्रेशन, ख़राब रास्ते सामने भी आप देख सकते हैं। चालू है कंस्ट्रक्शन बहुत ही लार्ज स्केल में, बट कब ख़त्म करेंगे दैट इज द क्वेश्चन। ऑल राइट सो वी आर हेयर एट हरिहर स्लाइटली अहेड बिसाइड दिस पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर ये ढाबा है, थोड़ा लंच कर लेते हैं यहाँ पे। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली माइक अटैच करना भूल गया मैं, सो इस वजह से। एनी हाउ हम मुर्डेश्वर से अप्रॉक्सीमेटली 210 से 240 किलोमीटर की दूरी पर है, और आई थिंक 200 प्लस कवर करने के लिए 4 से 5 घंटा लग जाएंगे जिस टाइप के रोड हमें लग रहे हैं। प्लस अगर कहीं पर रुकते हैं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा अलग से। सो लेट्स सी हाउ वी गोना डू दिस। तो ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून for the next one. Until the next one, take care and bye bye, and check out these other amazing videos in the Hampi Ride series. Until then, take care and bye bye.